जय हिंद मित्रों, एक बार पुनः हम आ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और आपको ताज़ा अपडेट देने जा रहे हैं। यह लोकेशन है मऊ जनपद मोहम्मदाबाद और रानीपुर के बीच की। तो दोस्तों, यह स्थान पड़ता है मऊ जनपद का बरडीहा ग्राम और यहां पर ज़मीन एक्वायर की गई है और यहां बनना है मऊ जनपद का पहला बेसाइड एमिनिटीज अर्थात फ्यूल सेंटर या जन सुविधा केंद्र, जहाँ पेट्रोल पम्प होंगे, डीजल पम्प होंगे, सीएनजी के पम्प होंगे, होटल्स होंगे, रेस्तरा होंगे, ढाबा होंगे और गाड़ियों के मरम्मत के स्थान होंगे, इलाज की सुविधाएं होंगी, चाय पानी की सुविधाएं होंगी, रुकने की सुविधाएं होंगी, जो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए ज़रूरी सुविधाएं होंगी वो यहां पर बनने वाला है। दोस्तों, मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि। ये इस लोकेशन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों, यहाँ भारी बारिश हो गई थी इसलिए अभी तो जल जमाव है यहाँ। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चढ़ने वाले रैंप की जगह है, जो बेसाइड एमिनिटीज़ के बाद यहाँ सुविधाएं लेने के बाद चढ़ेंगे गाजीपुर हैदरिया की तरफ के लिए, वो ये जगह है। और आगे आप देखिए पोल्स लगे हुए हैं, ये फिर दाहिने साइड मुड़ गए हैं, बहुत बड़ी एरिया देखिए, देखिए दूर जो पोल्स हैं वो एरिया है पूरे बेसाइड एमिनिटीज या जन सुविधा केंद्र की। यहाँ पार्किंग भी होगी, गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी और जो भी सुविधाएँ यहाँ प्राप्त होने वाली हैं वो सभी मिलेंगी। दूर तक ज़मीन एक्वायर की गई है और यहाँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो लो फ्लोर है दोस्तों, कि आसानी से यहाँ से उतरा जा सके। देखिए यहाँ आगे और लो फ्लोर है जहाँ से उतरना है, आगे से उतरना है, बाएँ साइड से उतरना है, मतलब आप चाँद सराय लखनऊ की तरफ से आएँगे और इस पर उतर जाएँगे और फिर यहाँ विश्राम करने के बाद जो भी सुविधाएं लेनी। देखिए यहाँ से 267 किलोमीटर दिखा रहा है आप चांद सराय लखनऊ, लखनऊ यहाँ से 267 किलोमीटर है दोस्तों। और ये 266 किलोमीटर की एरिया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की फ्रॉम लखनऊ चांद सराय की तरफ से, जहाँ ये बेसाइड एमिनिटीज़ बननी है। ये लोकेशन है मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील, मोहम्मदाबाद ब्लॉक, मोहम्मदाबाद थाना अंतर्गत बरडीहा ग्राम की। देखिए लो फ्लोर है और वहाँ दूर जो काला आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है वहाँ से उतरना है। तो अभी यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, बस ज़मीन एक्वायर है और जल भराव के कारण संभवतः काम नहीं हो पा रहा है मेरे समझ से। और ये वो एरिया है, इधर से चढ़ जाना है, फिर यहाँ सुविधाएँ प्राप्त करने के बाद यहाँ आगे से फिर ये स्लिप रैंप बना दिया जाएगा, यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़कर पुनः आप हैदरिया की तरफ गाजीपुर की तरफ चले जाएंगे दोस्तों। तो ये वो स्थान है, लोकेशन तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत हरियाली है इसमें बरसात की और ऊपर भी बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की धूप है और लेकिन आप दूर दूर तक देख सकेंगे कि काफ़ी पानी भरा हुआ है दोस्तों। तो हो सकता है इस जल भराव के कारण यहाँ पर अभी काम नहीं हो रहा है। मुख्य फोकस जो है वह मुख्य मार्ग को कम्प्लीट करने में है और उसे उद्घाटन के लिए तैयार करने में है, कि ताकि जल्दी से जल्दी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो सके। जो सहायक काम है, अगल बगल के काम हैं, उनमें भले ही देरी हो वो बाद में भी किए जा सकते हैं जी, लेकिन चांद सराय से लेकर हैदरिया तक के जो मुख्य मार्ग हैं वो फ़िलहाल कंप्लीट करने पर मेरे समझ से यूपीडा का और सरकार का सबसे ज़्यादा जोर है। देखिए खूबसूरत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और किनारे, चलिए मैं आपको फिर से ये आगे भी चल के दिखाता हूँ कि आगे जाने के बाद ये कहाँ तक एरिया। देखिए ये यहाँ से हम लोग चलते हैं, जहाँ अभी हमने वीडियो मैं शूट कर रहा था वहाँ से आपको लेकर चलते हैं। चल देखिए आगे चलते रहिए, चलते रहिए, वो दूर आपको पोल दिखाई देंगे पूरब साइड में और हम आगे चल रहे हैं इसमें लखनऊ साइड की तरफ। और ये देखिए कुल 600 मीटर का एरिया होता है जहाँ जन सुविधा केंद्र, मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैरलर 600 मीटर यहाँ से देखिए लखनऊ और सब बोर्ड लगे हुए हैं। और ये लोकेशन है 266-267 किलोमीटर की और यहाँ पर स्लिप रैंप के ज़रिए उतारा जाएगा, यहाँ सुविधाएं बनेगी दोस्तों। ये दूर आप देखिए जो लड़के दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे पोल्स लगे हुए हैं और ये पोल्स दूर 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 होते हुए फिर यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ आ जाएंगे दोस्तों। ये देखें 267 किलोमीटर की ये लोकेशन है, एग्जैक्ट 267 किलोमीटर की लोकेशन। और देखिए दाहिने तरफ, ये दाहिने तरफ देखिए यहाँ पर आके ये पोल्स ख़त्म हो रहे हैं और यहीं बाएं साइड से फ्रॉम लखनऊ चांद सराय की तरफ से यहाँ स्लिप रैंप होगा और यहाँ पर गाड़ियाँ उतरेंगी और यहाँ सुविधाएँ प्राप्त करेंगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जैसा कि आप जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के कुल 9 जिलों को जोड़ता है दोस्तों, और 9 जिलों को जोड़ने में कुल 15 इंटरचेंज बन रहे हैं चढ़ने और उतरने के स्थान। यह ज़िले हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है चांदसराय लखनऊ, तो लखनऊ, दूसरा बाराबंकी, तीसरा अमेठी, चौथा सुल्तानपुर, पाँचवा अयोध्या, छठवां अंबेडकर नगर, सातवां आजमगढ़ और आठवां मऊ तथा नवां गाजीपुर। गाजीपुर के हैदरिया में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जाके समाप्त होता है दोस्तों। इस पर जन सुविधा केंद्र बनने हैं 8 स्थानों पर। सबसे पहला बे साइड एमेनिटीज बनना है बाराबंकी में बाएं तरफ, और यह 19 किलोमीटर पर पांडेसराय कबूलपुर में बनेगा दोस्तों। दूसरा अमेठी में दाएं साइड बनेगा, यह 60 किलोमीटर पर पड़ेगा दोस्तों नेवाज मोहाना में। तीसरा सुल्तानपुर के भरसड़ा में बनेगा दोस्तों, यह बाएं तरफ बनेगा, पैकेज 3 में लोकेशन पड़ता है दोस्तों। चौथा सुल्तानपुर में निदूरा के पास, ये दाएं साइड बनेगा, ये पैकेज 4 में पड़ता है दोस्तों। पांचवा आजमगढ़ की इमाली महुआ में बनेगा दोस्तों, जो बाएं साइड में पड़ता है 195 किलोमीटर पर, ये दोस्तों। अगला है आजमगढ़ के बोधपुर में, जो कि दाएं साइड में पड़ता है, लखनऊ से 230 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दोस्तों। अगला मऊ में 266 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों, यह बाएं साइड बनेगा, यह गाँव है बरडीहा दोस्तों। अगला है गाजीपुर में सुहावलपुर महमूदपुर के पास, जो कि दाएं साइड से लखनऊ की तरफ से पड़ेगा दोस्तों, यह 310 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, और हैदरिया साइड से यह बाएं साइड पड़ेगा, इसकी दूरी 30 किलोमीटर होगी दोस्तों। इसके अलावा जो एग्ज़िट और एंट्री के पॉइंट बनने हैं, 14 एंट्री और एग्ज़िट के पॉइंट अर्थात इंटरचेंज बनने हैं दोस्तों, ये इसकी जानकारी बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है कि आप कहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं दोस्तों। तो यह कुल 14 स्थान हैं। पहला है चांदसराय लखनऊ, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा है रायबरेली बाराबंकी रोड पर हैदरगढ़ के पास। तीसरा है जगदीशपुर रुदौली रोड पर इन्हौना के पास। चौथा है जगदीशपुर फैजाबाद रोड पर हलियापुर के पास। पांचवा है सुल्तानपुर फैजाबाद रोड पर कूरेभार के पास। अगला है दोस्तपुर में 157 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों। अगला है सुल्तानपुर अकबरपुर रोड पर सिमरी के पास। अगला है शाहगंज मालीपुर रोड पर भेलारा के पास। अगला है अहरौला माहुल रोड, जो आजमगढ़ जनपद में पड़ता है, फुलवरिया के पास। अगला है आजमगढ़ फैजाबाद रोड पर सेहदा के पास दोस्तों। और अगला है आजमगढ़ मऊ रोड पर सठियाओं के पास, स्लिप इंटरचेंज होने वाला है दोस्तों। अगला है वाराणसी गोरखपुर फोर लेन पर हैदरा मरदह के पास। और अगला है गाजीपुर रसड़ा रोड पर कासमाबाद के पास दोस्तों। और लास्ट पॉइंट जो हैदरिया है, वह गाजीपुर बक्सर रोड पर हैदरिया सैदासपुर के पास है दोस्तों। तो इस प्रकार कुल 14 स्थान हैं जहां पर एंट्री और एग्जिट आप ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मऊ जनपद के रानीपुर गोकुलपुरा के बीच में जो रोड जाता है चिड़ियाकोट से मऊ जनपद को दोस्तों, 2 लेन रोड है। इस पर भी पेपर में निकला था यूपीडा की जानिब से, उनके अधिकारियों की जानिब से, कि यहाँ पर भी एक सिंपल रैंप बनना है, रैंप प्लाजा बनना है दोस्तों। तो अगर यह भी बन जाता है, कैंसिल नहीं होता है, तो कुल 15 इंटरचेंज फ़िलहाल हो जाएंगे दोस्तों, उतरने और चढ़ने के स्थान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अन्य महानगरों को जोड़ने के लिए भी कुछ लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाने की योजना है। जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, वो उसकी दूरी 91.3 किलोमीटर है, जो आजमगढ़ के सलारपुर से शुरू होकर जैतपुर गोरखपुर तक जाएगा दोस्तों। यह 4 लेन का होगा, यह भी टोटली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा दोस्तों। इसके अलावा 325 किलोमीटर चैनेज गाजीपुर के बाराचवर से शुरू होकर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे निकलने वाला है दोस्तों। उसका भूमि अधिग्रहण जल्द ही शुरू होने वाला है। इसकी दूरी कुल 31-32 किलोमीटर की होगी दोस्तों, और यह बाराचवर से निकल के बलिया से 10 किलोमीटर पहले ही जाके यह मिल जाएगा दोस्तों NH-31 पर दोस्तों। वाराणसी से भी इस रोड को लिंक्ड कर दिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अब शीघ्र ही जनता की सेवा में समर्पित होने वाला है दोस्तों। तो आई होप आप आशा करते होंगे कि इस एक्सप्रेसवे का आप लाभ लेंगे और इसका आनंद उठाएंगे और इससे अपनी सुविधाएं बेहतर बनाएंगे दोस्तों।